हेलो, वेलकम टू डिज़ाइन इंस्टीट्यूट। और आज मैं मैप लाया हूँ आपके लिए, जिसका साइज़ है आपका 23x70। ये मैप हमारे मिस्टर नीलू साहू का मैप है और ये डिज़ाइन इंस्टीट्यूट से बना हुआ है। कॉन्टैक्ट नंबर ये रहा हमारा, अगर आप भी अपना मैप बनवाना चाहते हैं तो आप भी बनवा सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप पर तो मैसेज कर ही सकते हैं। इसको स्टार्ट करते हैं। मिस्टर नीलू जी की हमारी रिक्वायरमेंट है कि एक बेडरूम चाहिए और एक किचन और एक बेडरूम से अटैच टॉयलेट, और बाकी इनको 3-4 गाड़ियों की पार्किंग और इनकी 5-10 मोटरसाइकिल आराम से खड़ी हो जाए। ये मैप हमारा वास्तु के हिसाब से है, लेकिन टोटल वास्तु के हिसाब से नहीं है ये, क्योंकि जो किचन है हमारा साउथ और ईस्ट कॉर्नर में आता, लेकिन हमने यहाँ थोड़ा आगे दिया हुआ है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेन गेट से एंट्री करते हैं तो आपको देखने के लिए मिलते हैं यहाँ पर सारी आपको पार्किंग दे दी गई है। आप चाहें तो यहाँ पर मॉर्निंग में बैठ करके चाय कॉफ़ी भी ले सकते हैं। ये आपको जो पार्किंग एरिया है आपका 24x23 फिट का दिया गया है। यहाँ पर आपकी 2-3 गाड़ियाँ और आपकी मोटरसाइकिल 5-10 आराम से खड़ी हो जाएगी। उसके बाद आप आगे चलते हैं तो वास्तु के अकॉर्डिंग आपको ये जो किचन है ये देखने के लिए मिल जाता है। वैसे तो ये बिल्कुल यहाँ आता साउथ और ईस्ट कॉर्नर पर, लेकिन ये थोड़ा आगे दिया हुआ है। इसी के साथ ये आपको स्टेयरकेस दिया हुआ है 3.5 फिट का, जो यहाँ से आपको स्टार्ट होता है और ऐसे घूम करके आप अपना फर्स्ट फ्लोर पर जा सकते हैं। अब आगे चलते हैं। जैसे आप इस डोर से अंदर एंट्री करते हैं तो आप लॉबी में आ जाते हैं। लॉबी कम लिविंग है, यहाँ पर आपके गेस्ट वगैरह जो होंगे वो यहाँ पर बैठ जाएंगे, या आपको सोफे देखने के लिए यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। और ये लॉबी का साइज़ है आपको, ये 21x15 फिट का ये आपको दिया गया है। इसी के साथ आपको इसके वेंटिलेशन के लिए देखने के लिए मिल जाती है, यहाँ से विंडो लगा दी गई है, यहाँ से आपका फुल वेंटिलेशन हो जाएगा। और अब इधर चलते हैं, आप इधर आते हैं तो ये आपका किचन है। किचन से पहले आपको वॉश बेसिन के लिए यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है, यहाँ पर मैं वॉश बेसिन लगा रखी है। किचन का साइज़ है आपका 11x1 इंच x8 फिट की एक किचन बनाई गई है। और इस किचन के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर आपको विंडो भी देखने के लिए मिल जाती है, यहाँ से आपका फुल वेंटिलेशन हो जाएगा। इसी के साथ आपको इस किचन में एल साइज की स्लेब देखने के लिए मिलती है, जिसका साइज़ हमने 2.5 फिट रखा हुआ है। स्लेब आप 2 फिट की भी डाल सकते हैं, नहीं तो 2.5 फिट की भी डाल सकते हैं। इस किचन का डोर आपका 3 फिट का दिया गया है। अब आगे चलते हैं। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, अगर आपको मैप बनवाना है तो मैप तो बनवा ही सकते हैं आप हमारे से, और अगर आपको सोफ़ा ख़रीदना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से सोफ़े भी ख़रीद सकते हैं, बेड भी खरीद सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इसी के साथ लिविंग एरिया के आगे देखने के लिए मिल जाता है आपको ये डाइनिंग एरिया आपका 8x12 फिट का आपको डाइनिंग एरिया दिया गया है, यहाँ पर बैठ के अपना आप खा पी सकते हैं। इधर चलते हैं तो ये आपका बेडरूम है। 13 फिट के डोर से आप अपने बेडरूम में एंट्री करते हैं। बेडरूम का साइज़ आपको दिया गया है यहाँ पर 13x12 फिट का बेडरूम बनाया गया है। इस बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पर विंडो भी देखने के लिए मिल जाती है, यहाँ से आपका फुल वेंटिलेशन हो जाएगा। और इसी के साथ इस बेडरूम से की गई है अटैच टॉयलेट, जिसका डोर आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाता है। 6x6 फिट की आपकी टॉयलेट आपको दे दी गई है, जो कि आपकी बेडरूम से अटैच है। ये आपका बेड है, सामने आपकी LCD आ जाएगी। बेड और LCD और सोफे वगैरह खरीदने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। इसी के साथ अब चलते हैं पीछे की तरफ अपने। ये आपका पीछे कुछ ओपन एरिया दिया गया है 10x1 इंच x6 फिट का, यहाँ पर आप प्लांटेशन वगैरह कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे वॉशिंग एरिया बना सकते हैं। ये आपका बोरवेल है और 4x6 फिट का ये आपको दिया गया है। तो ये मैप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया गया है, ये इनकी रिक्वायरमेंट थी, ये मैप इनका फाइनल हो चुका है। तो अगर आप चाहें तो आप भी डिज़ाइन इंस्टीट्यूट से कॉन्टैक्ट करके अपना मैप बनवा सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या आप हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।